Hey guys, hello and welcome back to the channel again. So, आज के इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा हूँ. दोस्तों आपने थंबनेल में तो ऑलरेडी देख ही चुका है, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्लान कर रहा हूँ. और प्लान ये है कि मैं यहाँ से अपने दोस्त के साथ में, गणेश सर के साथ में, सैटरडे को निकलने वाला हूँ. सैटरडे इवनिंग में इनिशियल प्लान था कि सैटरडे मॉर्निंग में निकलूंगा 4-5 बजे के अराउंड, बट गणेश सर के कुछ प्लान्स थे तो वो इवनिंग तक फ्री हो पाएंगे. तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं 4 बजे निकलने का, लेकिन 5 बजे के अराउंड मैं लेकर चल रहा हूँ कि 5 बजे तक निकल पाएंगे. तो 5 बजे यहाँ से निकलेंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोग कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से मुंबई सूरत वापी और फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी. तो ये हम लोग का रूट रहेगा. और हम लोग जो सबसे फर्स्ट डे प्लान कर रहे हैं सैटरडे को, वो ये रहेगा हम लोग का कि हम लोग यहाँ से जाएंगे मुंबई के होते हुए तलासरी. तो उधर पे हम लोग स्टे करेंगे सैटरडे नाइट को. फिर सैटरडे नाइट को स्टे करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का टारगेट कर रहे हैं कि 5 बजे के टारगेट करेंगे, लेकिन 6 बजे तक हो पाएगा वो निकलते. तो वहाँ से फिर हम लोग को स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उसी दिन हम लोग को संडे को पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमना है. और फिर हम लोग मैं आपको किलोमीटर्स बताता हूँ. तो यहाँ से तलासरी है अराउंड 279-280 ऑलमोस्ट, और तलासरी से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इतना ही है. तो मतलब तलासरी एकदम मिडिल में आता है. तो हम लोग इतना स्ट्रेच इसलिए कर रहे हैं, फर्स्ट डे हम लोग को मालूम है थोड़ा सा नाइट में ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन रीज़न ये है कि थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है. मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी क्लोज रहता है, इसलिए हमको संडे को ही विजिट करना है. और क्योंकि छुट्टी भी लिमिटेड मिली है, इसलिए उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है. तो इसलिए सैटरडे को हम लोग एज मच एज डिस्टेंस कवर करने का प्लान कर रहे हैं. और तलासरी हम लोगों ने वैसे सोचा है हमारे दिमाग में, अभी बुकिंग्स हमने कुछ नहीं करी है, हम ऑन द स्पॉट वहीं जाके बुकिंग करेंगे होटल्स की. तो हम लोग यहाँ से तलासरी 280 किलोमीटर 6 आवर्स जो बता रहा है गूगल यहाँ से, तो 6 आवर्स हम अगर लेकर चल रहे हैं तो 10-11 बजे के आसपास हम लोग तलासरी में होंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल जाएंगे. तो ये है इनिशियल प्लान है हम लोग का. और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये फर्स्ट लॉन्ग राइड है डोमिनार पर स्पेशली. इतना डिस्टेंस मैंने अभी तक ट्रेवल नहीं करा है डोमिनार पे, इतना राइड नहीं किया है मैंने. मैंने पल्सर पे किया है, पल्सर 150 पे. मैंने पल्सर 150 से महाबलेश्वर जा चुका हूँ. तो मतलब 200-250 अराउंड किया है, 300 मैक्स टू मैक्स, बट 500-550 इतना नहीं करा है. और ये लॉन्गेस्ट राइड होने वाला है मेरा अभी तक का टिल नाउ. तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. मतलब एक एक्साइटमेंट आ रहा है अंदर से कि जल्दी से जल्दी ये वो दिन आए ऐसा करके. तो पूरी फुल उसकी प्रिपरेशन चल रही है. आपने पिछला वीडियो मेरा देखा ही होगा, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए. मैंने डोमिनार में भी अपनी बाइक में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कराए हैं इसके चक्कर में. तो काफ़ी उस एक्साइटमेंट है उस चीज़ का. और मैं जो चीज़ें कैरी करने वाला हूँ, सबसे पहले अपना तो राइडिंग गियर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाइक्स पर जा रहे हैं तो राइडिंग गियर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो राइडिंग गियर्स में मैं आप एक जैकेट ले जा रहा हूँ, जैकेट और फिर राइडिंग पैंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास में नी प्रोटेक्टर्स हैं. नी और एल्बो प्रोटेक्टर्स का दोनों का सेट लिया था मैंने, ये स्क्वाइको का. तो ये मेरे पास में है, इसमें से सिर्फ मैं नी प्रोटेक्टर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि एल्बो प्रोटेक्टर्स ऑलरेडी जैकेट में है तो वो जैकेट में हो जाएगा. मैं आपको जैकेट भी दिखाता हूँ दोस्तों. ये जैकेट मेरी आर आर गियर की है, और ये मैं पिछले इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ. काफ़ी अच्छी जैकेट है, बहुत कंफर्टेबल भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पहन के. एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है इसको पहन के. पीछे बैक प्रोटेक्ट भी है इसमें, और काफ़ी अच्छी है ये. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर लीजिए, अगर आप एक बजट फ्रेंडली जैकेट ढूंढ रहे हैं मार्केट में. 4,500 के अराउंड थी या 4,200 के अराउंड थी ये मुझे मैंने जब ली थी. तो आई डोंट नो अब इसका प्राइस बढ़ गया हो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट जैकेट लेस बजट में, बहुत अच्छी जैकेट है. तो आप इसको डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आप लेने का. और ये दूसरी चीज़ मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ये स्क्वाइको के नी एंड एल्बो प्रोटेक्टर्स. इसको भी मैंने साथ में इनके लिया था, प्रोबाई का शॉप से लिया था, जो कि पुणे में शिवाजी नगर में सिचुएटेड है दुकान. तो मैंने उससे लिया था ये. तो मैं इससे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी राइड्स कर चुका हूँ मैं इसको पहन के. बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं. तो ये दो चीज़ें ही मैं ले जा रहा हूँ.
दोस्तों ये ग्लव्स मैं ले जा रहा हूँ अपने राइडिंग ग्लव्स, जो कि फिर से स्क्वायको के हैं, और ये भी मैंने वहीं प्रो बाइकर शॉप से लिया था जो कि शिवाजी नगर में मैंने आपको बताया उस शॉप से लिया था, और बहुत ही अच्छे ग्लव्स हैं ये, मुझे 750 या 800 के अराउंड पड़े थे, और इसे भी मेरे को यूज़ करते करते अब एक साल हो गया है, और इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है, अभी तक इसमें कुछ भी धूल के अलावा कुछ नहीं हुआ इसमें, तो ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल ले सकते हैं इन ग्लव्स को, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के हैं। दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो ये है फीगो फ्लोट सीट, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा, इससे पहले मैंने इसको कभी यूज़ नहीं करा, स्पेशली मैंने इस राइड के लिए लिया था, तो ये मैंने लिया है ओपन रोड शॉप से जो कि यहाँ विमान नगर में सिचुएटेड है, तो वो भी एक एसेसरीज की बहुत ही अच्छी शॉप है, तो मैं इसको अभी तो आपको नहीं बता सकता, रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे राइडर्स इसको ज़रूर बोलते हैं कि आप फीगो फ्लोट सीट लो, अगर लॉन्ग राइड करने आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपके बैक में स्ट्रेस पड़ता है, बैक पेन की आपको शिकायत है अगर, तो आप फीगो फ्लोट को यूज़ करिए, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा मैं इसको, और मैं डेफिनेटली आपको इस राइड के बाद में बताऊँगा इसका कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों राइडिंग बूट्स तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये मैं डीकैथलॉन के शूज़ पहन के जाने वाला हूँ, ये मतलब राइडिंग के लिए ठीक ठाक है, इनको पहन के मैंने राइड किया हुआ है, दो तीन मैंने राइड की हुई है इनको पहन के, तो ये राइडिंग के हिसाब से ठीक है, धीरे धीरे मैं राइडिंग बूट्स भी ले लूँगा आगे चल के। तो ये तो दोस्तों मैं राइडिंग गियर्स के बारे में मैंने बताया आपको कि राइडिंग गियर्स में कौन कौन से ले जाने वाला हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या अपनी चीज़ें ले जा रहा हूँ। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मैं सबसे पहले अपना एक गिम्बल ले जाने वाला हूँ डिजिटेक का, वीडियो शूट करने के लिए, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है गिम्बल के थ्रू। ये मैं एक अपना एक्शन कैमरा यूज करने वाला हूँ इकन H9R का, ये मेरा SJCAM का कैमरा SJ6 लेजेंड, ये मेरा माइक्रोफोन SJ6 लेजेंड को कनेक्ट करने के लिए, ये मेरा ट्राइपॉड ले जा रहा हूँ, और मैंने आपको हेलमेट नहीं बताया, ये मेरा MT का हेलमेट, और इसे भी मैंने बहुत सारी राइड्स में यूज़ किया, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा अच्छी क्वालिटी का है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ जनरली अपनी लॉन्ग राइड्स में, तो मैं ये लेकर जाने वाला हूँ। साथ ही मैं लगेज में एक नॉर्मल बैग ले जाऊँगा, बैकपैक, ये वाला लैपटॉप बैग, तो ये ले जाऊंगा मैं, इसको पीछे सीट पर माउंट कर लूँगा, और उसके लिए मैंने बंजी कॉर्ड लेयर लिए हैं, तो उससे मैं टाई कर लूँगा इसको पीछे सीट पर, और मैं एक टैंक बैग भी ख़रीदने वाला हूँ, टैंक बैग मैंने देखा है, तो मैं आपको वो जब जाऊँगा लेने तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ जाकर, और आपको स्टोर का एक वॉक थ्रू भी दूंगा, वो स्टोर मेरे बहुत ही नियर बाय है जो मैंने ओपन रोड आपको बताया, उससे मैंने फिगो फ्लोट सीट और ग्लव्स भी लिए हैं मैंने उससे, और मेरे फ्रेंड ने अभी वहाँ से एक नी गार्ड और एल्बो गार्ड भी लिया है वहाँ से, तो मैं टैंक बैग भी वहीं से ख़रीदूँगा, क्योंकि वहाँ के प्राइस बहुत रीज़नेबल होते हैं, और काफ़ी वैराइटीज़ हैं उन लोग के पास में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपके सामने कि आप सिलेक्ट कर सकते हो बहुत सारी वैराइटीज़ आपके सामने हो, तो मैं आपको स्टोर पर जाके ज़रूर दिखाऊँगा। चलिए चलते हैं। सेलेक्टेड दिस बैग गार्डियन, सो ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा, एक्चुअली दिस इज़ फॉर नॉन मैग्नेटिक एंड मेरी डोमिनार में प्लास्टिक का टैंक है, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर दैट बाइक। सो आई परचेज दिस बैग गार्डियन बैग फ्रॉम ओपन रोड, और इसका कंप्लीट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।